आज मैंने कड़ा प्रसाद बनाया है गुरपूरब के लिए। इसके लिए हम एक एक कटोरी आटा, घी और चीनी लेंगे, सेम क्वांटिटी में लेंगे। आटा और चीनी की क्वांटिटी सेम होती है इसमें, जितना हम आटा लेंगे उतनी चीनी लेंगे, लेकिन घी जो है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैंने एक कटोरी घी लिया है, अब थोड़ा करके हम पहले इसको डालेंगे। इसमें हम आटे को डाल देंगे एक कटोरी। अब इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है, आटे को भूनना बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह से भून जाना चाहिए। अगर आपको लगे कि घी कम है तो थोड़ा सा और घी इसमें डाल सकते हैं आप। आटा हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, इसने घी छोड़ दिया है और इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है, इसका मतलब कि ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, ये देखिए आधी कटोरी के करीब घी लगा है हमारा। अब दो कटोरी हम पानी लेंगे और इसको हमने हलवे में ऐड कर देना है। ये देखिए इसको लगातार हिलाते हुए साथ में हमने पानी को डालना है। पानी को हमने ऐसे डालकर इसके साथ में इसी वक्त हमने चीनी को डाल देना है। ये देखिए ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, लगातार इसको हिलाते रहिएगा पानी डालते समय। अब गैस को हम तेज कर लेंगे और इसको हम तेज़ आंच पर 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए ये स्मूथ हो गया है 2-3 मिनट के बाद, बिल्कुल लम्स नहीं है इसमें, लगातार हमने इसको चलाया है। अब हम इसको 2-3 मिनट और भून लेंगे। इस वक्त मैंने गैस को मीडियम पर रखा है, प्रसाद हमारा बनना शुरू हो गया है, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये कढ़ाई से भी अलग हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बनकर तैयार है। देखिए कितनी आसानी से सारी कढ़ाई में ये घूम रहा है, इससे ये पता चलता है कि ये बनकर पूरी तरह तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे थाली में, देखिए कितना अच्छा हमारा कड़ा प्रसाद बना है। इसको थाली में निकाल लेंगे, हमारा प्रसाद बनकर तैयार है।